वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉप हाउसिंग इंफ्रा। आज मैं आपको अपना एक प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ पीकेएस टाउन सेंट्रल के नाम से, जो कि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आ जाता है, 130 मीटर रोड पर आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ियों का मूवमेंट, और मेरे पीछे ही जस्ट पीकेएस टाउन सेंट्रल के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। तो ये फेस वन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जिसका फिटिंग्स वगैरह चल रही है, और फेस टू की हमारी अभी बुकिंग्स चल रही है, जो कि हम 2023 के एंड में पोजीशन दे रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको रिटेल शॉप देता हूँ 15 साल की लीज गारंटी के साथ, और आप जो कि स्टार्ट हो जाती है 25 लाख रुपए से, और स्टूडियो अपार्टमेंट मैं आपको देता हूँ जो कि फुल्ली फर्निश्ड, जिसका रेंट आप पा सकते हैं 18 से 20 हज़ार रुपये महीना, जो कि स्टार्ट हो जाता है 24,50,000 से। तो बने रही मेरी वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और लाइक करें मेरी वीडियो को, और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, बाकी पूरी डिटेल मैं आपको इसकी वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये प्रोजेक्ट का डेमो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारा मॉडल बना हुआ है ऑलरेडी टाउन सेंट्रल का। नीचे आप देख सकते हैं ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे हमारी शॉप बनी हुई है, और फोर्थ फ्लोर पे आप देख सकते हैं मूवी PVR बना रखा है हमने, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा फेस वन फेस टू वाइज हमने बनाया हुआ है, ये हमारा फेस टू आ जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं उसके ऊपर जस्ट ये स्टूडियो अपार्टमेंट का हमने दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे होटल अपार्टमेंट हमारे रहने वाले हैं, और उसके जस्ट बराबर में अगर ऊपर देखेंगे तो हमारा ये ऑफिस स्पेस का हमने फ्यूचर एक्सपेंशन का दिया हुआ है, जो कि आने वाले टाइम में हम इसमें ऑफिस भी लेकर आ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी होने वाली है। अगर नोएडा एक्सटेंशन के हिसाब से बताऊँ तो मेट्रो ऑलरेडी प्रपोज्ड है इसके सामने, आप देख सकते हैं ये 130 मीटर रोड है ये जो जा रहा है, सीधा एक मूर्ति गोल चक्कर पे आता है और यहीं पर मेट्रो आ रहा है इसके। ये हमारा प्रोजेक्ट फोर साइड ओपन है, ये 30 मीटर रोड का आपका इधर राइट साइड में आ जाता है, ये आप देख सकते हैं ये सामने सीधा आपका बिल्कुल आप रोड जा रहा है, और उसके बराबर में ये ग्रीनरी दी हुई है। तो उसके जस्ट पीछे अगर हम आ जाते हैं आप देख सकते हैं बैक साइड में भी, तो 30 मीटर का रोड दिया हुआ है, जिसमें आपकी एंट्री एग्जिट दोनों तरफ से होने वाली है, आगे से भी पीछे से भी। तो ये रिटेल शॉप पीछे भी आपकी आ जाती हैं और आगे भी आ जाती हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट चारों तरफ से ओपन रहने वाला है, कोई भी शॉप इसकी ऐसी नहीं है जो दबी हुई हो बैक साइड की हो, या कोई भी स्टूडियो इसका फ्रंट या बैक का नहीं है, सारे ओपन हैं, और सबके साथ बालकनी दी हुई है। यह आपको दिखा देता हूँ, बीच का हमने एट्रियम बनाया हुआ है, जो कि अपने पीके टाउन सेंट्रल के अंदर हम बना के दे रहे हैं, बहुत ही शानदार लुक आने वाला है इसका भी। और उसके बाद ये आपका गेट आ जाता है, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, जो कि हमारे बराबर में एक और रास्ता आ जाता है जो कि चौथा है, जो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उससे जस्ट लेफ्ट साइड में हमारा आ जाता है। ये भी 30 मीटर का रोड है, और आप अगर देखेंगे तो एंट्री एग्जिट हमने दिया हुआ है एक उधर की तरफ से राइट से एक लेफ्ट। तो आपकी बेसमेंट में पार्किंग होने वाली है, और ये अब हम आ जाते हैं अपना 130 मीटर रोड जो है उस फेसिंग पे। तो ये कुछ इस तरीके का इसका एलिवेशन आने वाला है और डिज़ाइन आने वाला है, और इसके अंदर हमारे पास नीचे शॉप आ जाती है, फिर बैंक्वेट हॉल आ जाता है, स्टूडियो अपार्टमेंट आ जाते हैं, और PVR आ जाता है। तो पूरे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर एक अकेला प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके अंदर सारी कनेक्टिविटी है और एक्सिस चारों तरफ से है। अब मैं आपको एक बार इसका सैंपल दिखा देता हूँ, स्टूडियो अपार्टमेंट। तो दोस्तों ये हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट है, जो कि फुल्ली फर्निश्ड हम दे रहे हैं आपको, और इसका साइज़ जो है अभी सैंपल जो बना हुआ है हमारा, ये 575 स्क्वायर फीट है, और इसके बाद अगर आप इससे छोटा आप प्लान करना चाहें तो 375 भी ले सकते हैं, और इससे बड़ा लेना चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं। तो अभी जो हमारा ये वाला साइज़ आ जाता है वो 575 है, इससे छोटा आपको 375 मिल जाएगा, जो कि आपका 24.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। ये मैं आपको स्टूडियो अपार्टमेंट का टूर दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं सारा फुल्ली फर्निश्ड है आपका। ये आपका किचन आ जाता है, और इसके जस्ट सामने अगर आप देखेंगे तो लिविंग डाइनिंग है, एसी वगैरह सारी चीज़ें, कैबिनेट वगैरह और माइक्रोवेव ओवन सारी चीज़ें हम इसमें लगा के दे रहे हैं। अभी कुछ ऐसे आइटम भी हैं जो हमने इसमें नहीं लगाए हैं, तो वो आपको जब आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन करके देते हैं। ये डोर हो गया आपका, सोफे हो गए आगे, और LED लाइट वगैरह सब कुछ, टाइल्स पत्थर सब कुछ लगा के देते हैं इसमें। कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन आने वाला है, और बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये आपका रूम आने वाला है जो फर्स्ट बेडरूम आने वाला है स्टूडियो का,
ये आपका सामने आप देखें वार्डरोब वगैरह बना के देते हैं हम पूरा कंप्लीट, और आपका ये बेड बना लगा के देते हैं इसमें, और बेड के जस्ट बराबर में आप देखेंगे तो बालकनी दी हुई है, और सामने ये 32 इंच का LED TV हम लगा के देते हैं, और उसके सामने आप देखेंगे LED TV है, जस्ट उसके बराबर में अटैच एक वॉशरूम भी दे रहे हैं, और बेडरूम के साथ AC है, फ़ैन है, और LED लाइट वगैरह पूरा फॉल सीलिंग का कंप्लीट काम करके देते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं वॉशरूम दिया हुआ ऑलरेडी, इसके बराबर में जस्ट बालकनी दी हुई है, मैं बालकनी भी आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा साइज़ होने वाला है इस स्टूडियो का, और बालकनी का भी काफ़ी अच्छा साइज़ है। ये आप देख सकते हैं क्वालिटी एक अलग ही दिख रही है स्टूडियो अपार्टमेंट की, जो कि हम एज इट इज़ देने वाले हैं आपको। ये LED TV दिया हुआ है 32 इंच का, और बाकी ये फिटिंग्स वगैरह AC वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ये अभी मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ, ये आपका डोर दिया हुआ है, और इसी को जैसे जस्ट हम स्लाइडिंग डोर आप ओपन करते हैं आप बालकनी आ जाती है। टफन ग्लासेस वगैरह लगा के हम पूरा कंप्लीट देते हैं, बालकनी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो ये आपको बालकनी सारे साइज़ के साथ मिलेगी, अभी इसके साथ भी हमने दी हुई है। ये हमारा जो रूम के साथ अटैच वॉशरूम था ये आ जाता है, वॉशरूम के अंदर देख सकते हैं सारी फिटिंग्स ब्रांडेड होने वाली हैं, कोई भी लोकल नहीं होगा, और सारा पूरा कंप्लीट करके ग्लास वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है इसमें, शावर एरिया भी बनाया हुआ है पूरा प्रॉपर, वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह इसमें दी हुई है, सामने ग्लासेस वगैरह लगाया हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का एक इसका लुक आने वाला है जो आपका वॉशरूम होने वाला है स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ। ये छोटी सी लाइट लगाई हुई है जो कि बहुत ही अच्छा एक डिज़ाइन बना के देती है अपने वॉशरूम के अंदर। उसके बाद जैसे ही हम बाहर आते हैं वॉशरूम से, ये सामने आपका बेडरूम आ जाता है जो कि मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, मैं दिखा चुका हूँ आपको, ये बेडरूम है, उसके दोनों बराबर में आपके बॉक्स रखे हुए हैं। उसके जैसे ही हम लेफ्ट में देखते हैं तो आपका ऑलरेडी एक कबर्ड बनाया हुआ है, और बाहर आते हैं तो आपका लेफ्ट साइड में किचन बनाया हुआ है कैबिनेट के साथ फुल्ली फर्निश्ड। तो दोस्तों जैसे कि आप प्रोजेक्ट देख चुके हैं, मैंने आपको वॉक थ्रू भी दिखा दिया है और अपना एक स्टूडियो अपार्टमेंट का सैंपल भी दिखा दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं, और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ कलीग के साथ, और अगर आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो एक बार दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रॉपर्टी विजिट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है और अभी वीडियो में भी चल रहा होगा, तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप विजिट प्लान कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं।